और ये प्रोग्राम है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। और चाचा जी एक समय की बात, माँ रुक्मणी अपने बाबुल से कहने लगती है, हे पिताजी मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूँ। हा चाचा जी, तो इधर में पिताजी कहने लगते हैं कि बेटी तू बाबली हो गई है क्या? कृष्ण तो बहुत काला है, बहुत सांवला है। हा चाचा जी, इधर में माँ कहने लगती है कि पिताजी मैं तो उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सभा के अंदर माँ रुक्मणी अपने बाबुल से रिक्वेस्ट कर रही, विनती कर रही, आराधना कर रही, प्रार्थना कर रही, गौर करेंगे कैसे भैया। सुनो साहब साथी, हो बाबा मेरे और बचाए लियो ला, अरे हो बचाए लियो ला जी रे सभा हेरे रुक्मणो ऐसे कहने लगी सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे ताऊजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं जिकड़ी मामले के धुंधर कलाकार हमारे आदरणीय सम्माननीय चंद्रवान जी, चाचा जी हैं ये हमारे, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं तो इनके चरणों के रस के बराबर भी नहीं हूँ। गौर कीजिएगा, धन्यवाद जी, गौर करेंगे से। मैंने माने हैं कर्म वचन से।
गाए बैठी हूँ बची क्यों आसो लगाए बैठी हूँ बचपन से भैया जी जो मर जाऊंगी मैं तो मार कटारी भेज रही संदेश लखन कहे तेरो बिया आवेगो क्या बात है भैया चाचा जी आज कृष्ण जन्माष्टमी है एक और सही प्रेम से बोलेंगे बोले बाकी भी हरि लाल की कहना मिलूंगी तो सब मंदिर में चाचा जी वो कहते ना कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो चाचा जी कि मन की आंखों से और प्रभु का दीदार करो दो पल का अंधेरा है सुबह का अंत दीदार करो फिर से गाना ला ले बेटा कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो और दो पल का अंधेरा है सुबह का अंत दीदार करो क्या रखा है आपस के बैर भाव में क्या रखा है आपस के बैर भाव में ए मेरे सज्जनों और थोड़ी सी जिंदगी है बस हर किसी से प्रेम और प्यार चाचा जी मेरा वही प्रसंग था जिसे मैं छोड़ कर दे रही थी आइधर में मां गंधारी अपने बेटे को चाचा जी चौकों के माध्यम से आज कैसे समझा रही गौर करेंगे कैसे भैया हेरे अरे मती रोवे औरे लाली महतारी अरे मती रोवे लाली हजारी तेरे संगतरी महतारी क्यों मेरो नाम ओ हो
हाँ चाचा जी आदर में मैं गंधारी कहने लगती है कि सुंदरी अधनी तू धर्मराज के पास में जा, वो तेरी अवश्य मदद करेंगे। आज माँ के शब्दों को सुनता है तो वो राजा दुर्योधन कहने लगता है कि हे माँ कि लड़ते लड़ते तुम शस्त्र है। आज वो राजा दुर्योधन कहने लगता है कि हे माँ कि लड़ते लड़ते तुम शस्त्र है गए और दिन आखिरी आयो है और अब तक ना मैया मैंने काहू को शीश नवायो है। सो दुश्मन के आगे शीश नवाऊं, सो दुश्मन के आगे और शीश नवाऊं, मैया को जुलम गुजारे और मेरे टीस जिया में मारे। हाँ चाचा जी आज मैं गंधारी बार बार समझाती हैं, लाख लाख समझाती हैं, तो चाचा जी राजा दुर्योधन की समझ में आ जाता है, वो चाहने के लिए तैयार हो जाता है। चाचा जी तो माँ गंधारी एक एक शब्द समझा रही है, गौर करें कैसे भैया। कि सुन बेटा सम्मान नहीं देते हैं और एक बेटे के लिए बड़ा अच्छा सम्मान देते हैं। एक बेटे की पुकार है अगर बात दिल को छू जाए, पैसा का प्यार ना चाहिए इस बेटी को, केवल आपका तालियों का प्यार चाहिए। गौर करने का बात दिल को छू जाए, केवल गौर करेंगे कैसे क्या बेटे का सम्मान जगत में दान। इस दुनिया में उससे कोई बड़ा दान नहीं है, कहना कन्यादान सा इस दुनिया में क्यों कन्यादान सा इस दुनिया में कन्यादान सा इस दुनिया में कन्यादान सा इस दुनिया में दूजा कोई दान नहीं। पूछती बेटी क्या संतान नहीं, मैं भिलवालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। और भैया
न सके तो कांटे बन कर मत रहना है। कुछ भी अगर तुम बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना। बिमले चार आजा बिमले चार। और भैया सोता शेर बनी का राजा क्यों? सोता शेर बनी का राजा उसे जगाना ना चाहिए। सोता शेर बनी का राजा उसे जगाना ना चाहिए। बहती गंग की धारा में कब कूद के नहाना ना चाहिए। बहती गंग की धारा में कूद के चाचा जी। और ये एक से एक रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाचा जी, आदर में मैं गंधारी कहने लगती है कि सुन बेटा तू जा तो रहा है लेकिन एक राजन के अंदर चार बातें होना जरूरी होता है कि सांप दाम और दंड वेद की। चाचा जी कि सांप दाम और दंड वेद की और यही नीति यही रीति है। और बिना भेद के सुन बेटा ना जंग किसी ने जीती है। सो वीर बही जो रण में बेटा सो वीर बही और जो रण में बेटा जो वक्त पे काम निकारे और मेरे टीस जिया में मारे। हाँ चाचा जी राजस्थानी ढोल आए रोए गौर करेंगे कैसे भैया कैसे भैया राजस्थानी ढोला कहना जंग तेरी और पनम से रब गए बेटा जंग भैया जी बहुत अच्छे। जंग तेरी पन्नम से रे रुक गए बेटा जंग। जंग तेरी पन्नम से रे रुक गए बेटा जंग। और प्यारे मोहब्बति हो को वो राजा जी धन सुनता है तो चाचा जी गौर करेंगे कैसे रो रहा है भैया बाधेना संचालक साहब बाधेना हिल की सो भर भर राजा रो चंद्रमा को नंबर ले।